हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का ज्योग्राफी वाला जयपुर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने देख लिया होगा, अपना अपना रिजल्ट क्या रहा है। यूजीसी नेट दिसंबर 2022 का जो साइकिल है उसका रिजल्ट जारी हो चुका है, और जिन्होंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है उनको सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस और आपके ब्राइट फ्यूचर की बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से। और जैसा कि आप सभी को पता है, इस यूजीसी नेट दिसंबर 2022 साइकिल में जैसा पहले होता था वैसे भी अभी असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ के लिए अलग अलग जो मेरिट लिस्ट छूटती है कैटेगरी वाइज उनको हम देखेंगे। तो इसमें हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट की जो मेरिट लिस्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो पेपर कोड है ज्योग्राफी का वो 80 है ज्योग्राफी से संबंधित। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मेरिट रही है, कट ऑफ रही है वो 97.49% रही है। परसेंटाइल मीन्स जो पेपर हुआ था ज्योग्राफी का वो दो पारी में हुआ था, फर्स्ट पारी और सेकंड पारी में। तो इनमें पेपर के लेवल को बैलेंस करने के लिए, फॉर एग्जांपल फर्स्ट पेपर थोड़ा हार्ड आया हो और सेकंड पेपर सिंपल आया, तो दोनों को मार्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वल करने के लिए इनकी मेरिट है जो परसेंटाइल में निकलती है। जिन सब्जेक्ट का भी पेपर दो पारी में हुआ है उन सभी की मेरिट लिस्ट परसेंटाइल में निकलती है, परसेंटेज में नहीं निकलती है। तो इसमें ज्योग्राफी की अनरिजर्व कैटेगरी की असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 97.49% रही है और टोटल कैंडिडेट है वो 862 क्वालिफाई हुए हैं। उसके बाद में जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ज्योग्राफी अनरिजर्व कैटेगरी में मेरिट रही है वो 99.67% रही है और टोटल कैंडिडेट है वो 89 इसमें क्वालिफाई किए गए हैं। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 93.64% मेरिट है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रही है, जिसमें 221 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया है। और जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर बोथ के लिए 99.31% कट ऑफ रही है और इनके टोटल जो कैंडिडेट है वो 24 क्वालिफाई हुए हैं। उसके बाद में ओबीसी एनसीएल के लिए 92.72% कट ऑफ रही है और इसमें जो टोटल कैंडिडेट है वो 650 क्वालिफाई हुए हैं। और जो जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर बोथ के लिए ओबीसी एनसीएल की कट ऑफ रही है वो 99.05% रही है और टोटल कैंडिडेट है वो 65 क्वालिफाई किए गए हैं। उसी तरह से एससी की कट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 85.99% रही है और इनमें टोटल 351 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया है। और असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जेआरएफ बोथ के लिए 97.13% कट ऑफ रही है और टोटल कैंडिडेट 38 को क्वालिफाई किया है। उसी प्रकार एसटी कैटेगरी में 82.19% कैटेगरी की मेरिट रही है और उसमें टोटल 194 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया है। और जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर बोथ के लिए 95.69% कट ऑफ रही है और इसमें टोटल 18 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया है जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर बोथ के लिए। इसी प्रकार जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में अलग अलग जो कैटेगरीज है वापस पीडब्ल्यूडी की, उनकी कट ऑफ 80.40 से लेके और इनकी वेरियस जो कैटेगरीज हैं उनकी अलग अलग कट ऑफ रही है। जैसे जो पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व जो फर्स्ट कैटेगरी है उनकी 80, ठीक है, उसके बाद में 64, ऐसे वेरी करती है कैटेगरी इनकी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाइज। तो इनकी मेरिट भी आप देख सकते हैं और इनमें जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है उनकी संख्या बहुत कम है, ठीक है, मैक्सिमम 10 है और मिनिमम कहीं पे है भी नहीं, कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं हुए हैं, ठीक है। और कहीं पर कुछ जो कैटेगरी है पीडब्ल्यूडी की वहाँ पे मेरिट लिस्ट ही नहीं बनी है, ठीक है। तो इस प्रकार ये ज्योग्राफी की कट ऑफ रही है जो परसेंटाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो आज के इस सेशन में यही है। चलिए, थैंक यू।